बाबागिरी वाली टिप्पणी से नाराज नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि जायसवाल अगर कुछ टिप्पणी खनन माफिया और अवैध उत्खनन को लेकर करते तो ज्यादा अच्छा होता। कंप्यूटर बाबा ने खनन माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में नर्मदा और नदी के किनारे न तो पेड़ काटने दिए जाएंगे न ही अवैध उत्खनन होने देंगे। खनन मंत्री प्रदीप जायसवाल की टिप्पणी से नाराज कंप्यूटर बाबा ने प्रदीप जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदीप अगर ये टिप्पणी खनन माफियाओं पर करते तो अच्छा होता। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो उनको जिम्मेदारी दी है वो उसको निभा रहे हैं। कमलनाथ की मंशा है कि अवैध उत्खनन रुके। कंप्यूटर बाबा ने खनन माफियाओं को चेतावनी दी और कहा कि किसी भी सूरत में नदियों और नर्मदा में ना तो पेड़ कटने दिए जाएंगे और ना ही अवैध उत्खनन होने दिया जाएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने नदी न्यास का काम सौंपा है उसको बचाने के लिए मैं लगातार दौरा कर रहा हूं। मुझे नर्मदा को बचाना है, मुझे नदियों को मध्य प्रदेश की बचाना है और किसी हालत पे नर्मदा या नदियों के किनारे को पेड़ नहीं कटने दूंगा। किसी भी सूरत में नर्मदा या नदियों में अवैध खनन नहीं होने दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि नर्मदा और मध्य प्रदेश की नदियां कल कल बहें। जो पूर्व सरकार शिवराज सरकार ने जो अवैध खनन कराया है जिससे हमारी नदियां और हमारे नर्मदा तहस नहस हो गई है। मैं माननीय मंत्री जायसवाल जी को कहूंगा कि वो जिन्होंने टिप्पणी मुझे की है कि बाबागिरी करें, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि रेत माफियों को भी यदि आप दो शब्द बोल देते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। रेत माफिया से मैं भी कहना चाहूंगा कि किसी सूरत में मध्य प्रदेश की नदियों में और नर्मदा में अवैध खनन तो नहीं होगा, पेड़ तो नहीं कटने दूंगा। कंप्यूटर बाबा के निशाने पे एक बार फिर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे। कंप्यूटर बाबा ने शिवराज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज ने नर्मदा में अवैध उत्खनन कराया है जिससे हमारी नदियां तहस नहस हो गई हैं। बाबा ने कहा कि हजारों की संख्या में साधु अवैध उत्खनन की जगह जाएंगे और वहाँ डेरा डालेंगे ताकि अवैध उत्खनन रोका जा सके। देख रहे हैं दखल न्यूज़।